निरन्धर्ष्य ज्ञानाञ्जलशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति श्वब्दकान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवीतां सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गणललिता शिवशाखावितांस राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ सोते रो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
सुंदर कवि हो, तो बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे वो, बहुत सारी कविताएं लिखा करते, वृंदावन भी आया करते, भगवान से बहुत प्रेम था, आते दर्शन करते जाते। एक बार राधारमण जी के दर्शन किए, वापिस गए और फिर इच्छा हुई कि राधारमण जी के दर्शन किया जाए। राधा रमन जी रात को सपने में आए, बोले प्यारे बड़ा कवि है तू, हमने सुना है तू बड़ा कविता लिखा करता है, कभी मेरे ऊपर भी कुछ लिख। तब उसने ये दो पंक्ति लिखी थी, जय जय राधा रमन हरि बो, जय जय राधा रमन हरि बो, ऐड कर दिया गाना को बड़ा बनाने के लिए, भजन को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल बोल क्या है बस दो, जय जय राधा रमन हरि को, जय जय राधा रमन। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Krishna.
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय, नम पंकजमालिने, नम पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यम ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्नुवन्ति दिवेस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम श्रामगा ध्यानावस्थितत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेषशून्यवादी पाशात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा
भगवती शात्वत पुंगवे विभूमने भेजे थे ना कल, इसको कुछ कॉपी प्रिंट करा के भक्तों के बीच में बटवा दिया जाए ताकि वो गा सके। जो भक्त गूगल मीट के थ्रू जुड़ते हैं उनको लिंक मिला होगा तो वो देख सकते हैं, ऑनलाइन है ना, फोन में होगा। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम धाणे। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम धाणे। सके रतिरास में अवत्या बपुर लखुलाभ्यम विजय सके रतिरास में नवाजुर कर जो विधुन विश्वक कचलित श्रम वार्यल युधि चूर कर जो विधूम्र विश्व कचल विता समवारलं विता से। मम निश्चित शरे विपीत माना कुछ भी लसत वच आस्तु कृष्ण आत्मा। मम निश्चित सर विविध्यमान कवच विलसत कवचे कृष्ण आत्मा। सपदिश की वचो निशम्य मति निज परयो बलयो रथम दिवेश्य। सपदी सखी वचो निशम माधे निज परयो बलयो रथम निवेश। स्त्रीवती परशे कायु रक्षा विद्वती पार शके मस्तु। स्त्रीवती परसनिकायु रक्षा विद्वती पार शके रतिर्ममास्तु। व्यवहित व्यवहित पितृणां मुखं निरीक्ष स्वजनवधा विमुखश्च दोषबुद्ध्या। व्यवहित पितृणां मुखं निरीक्ष स्वजनवधा विमुखश्च दोष
Yeah.
साथ में इसको गा सके, लेकिन व्यस्तता के कारण शायद प्रभु जी नहीं कर पाए होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं पुनः निवेदन करूंगा। हो सके तो पूरा अध्याय, नौवा अध्याय, और ना हो सके तो कम से कम ये भीष्म स्तुति जो है एक पेज का है, कम से कम इसको तो करा ही दिया जाए, है ना। 100 पेज भी कराएंगे तो फिर बहुत कम है, भक्तों के बीच में बटा हुआ रहेगा तो वो पढ़ पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं। नारायणं नमस्कृतं। नरं चैव नरोत्तमं। नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं। देवीं सरस्वतीं व्यासं। ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु। नष्प्रायेषु अभद्रेषु। नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद एक अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। तदा ते भ्रात्र सर्वे सदस्येव शरण भूषिते। सदस्येव शरण स्वर्ण भूषिते। अन्वगच्छेन रथेर्विप्रा। अन्वगच्छेन रथेर्विप्रा। व्यास धौम्यस्तथा। कौन सा श्लोक है? कहाँ थे आप? अभी हम दूसरे जगह थे। स्कंद एक अध्याय दो श्लोक संख्या 2 पुनः पढ़ेंगे। तदा ते भ्रातर सर्वे श्लोक संख्या 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। कल जो मैंने भेजा था, तदा ते भ्रात्र सर्वे सदस्येव स्वर्णभूषिते। अन्वगच्छेन रथेर्विप्रा। व्यास धौम्य आदय तथा। आवर्ती करिए।
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्चैव स्वर्णभूषिते सदेशैव स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। यस, और कोई? माता जी में से कोई? नहीं, पढ़ना चाहिए शब्दार्थ। तदा तब ते वेशम भ्रात्रः भाई सर्वे एकत्र सतस्वे श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले स्वर्ण सोने से भूषिते विभूषित अन्वगच्छन् अनुगमन किया रथों पर विप्राः हे ब्राह्मणों व्यास देव धौम्य मुनि आदयः इत्यादि तथा उसी प्रकार अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यास देव तथा धौम्य जैसे ऋषि पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य ठीक है। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। गत सत्र में हम लोग कहां तक सुने थे, क्या सुने थे, कोई भक्त याद दिला सकते हैं? माता जी में से कोई बोली? बोलिए, किसी को कुछ नहीं याद है? हाँ, क्या कर रहे थे? वेरी गुड। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे थे। तो भक्तों, परम सौभाग्य श्री विभूषित परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय परम पवित्र मास में हम सब भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट ही है भीष्म पितामह की स्तुति, भीष्म देव का उद्गार। पितामह भीष्म ने जो भगवान के विषय में बोला उसकी व्याख्या। भीष्म पितामह महाभागवत है और ऐसे महाभागवत के मुख से भागवत कथा श्रवण करना ये बहुत बड़ी बात है। कल हम लोग जैसे चर्चा किए, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत
और दुई भागवत भक्ति भक्ति रस से भरा हुआ लबालब भरा हुआ भक्त भागवत। और इन दोनों भागवत से दुई भागवत द्वारा पिया भक्ति रस, इससे क्या पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सबसे क्या पीना चाहिए, भक्ति का रस पीना चाहिए। और जब ऐसे भक्तों के द्वारा हम भक्ति का रस पिएंगे ना, तहारा हृदय तारा प्रेम हाय वास, तहारा गाइए, तहारा हृदय तारा प्रेम हाय वास, बोलिए तहारा हृदय ऐसे भक्तों के मुख से, जब ऐसे भक्त भागवत के मुख से शास्त्र भागवत सुनेंगे ना, तब तहारा हृदय तारा प्रेम हय वास, तब तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भर जाएगा। तो बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज अत्यंत सुख में है, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए हैं और समझा रहे हैं। कल हमने सुना कि भगवान समझाने आए, स्वयं अपने भाई को समझा रहे हैं कि भैया आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपका कोई दोष नहीं है, ये तो होना ही था, ये होने वाला था, आपने तो बहुत रोकने का प्रयास किया। आप देखिए, आपने मुझे संधि दूत बना करके भेजा, लेकिन जो चीज होने वाला होता है ना, उसको टाला नहीं जा सकता, टाला जा सकता है। आप राजा बनिए और प्रजा का पालन करिए। तब तो और युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लगते, क्या बोल रहे हो, जोर जोर से रोने लगते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब भगवान गए संधि दूत बनकर, तो वह कौरवों के सभा में दुर्योधन को समझा रहे थे। अब जानते हैं ना, महाभारत युद्ध से पहले संधि दूत बना करके भेजा गया, किनको, बलराम जी को, कृष्ण को। कहीं बलराम जी गए होते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, होता नहीं होता, वो तो वहीं पकड़ करके बाद में शिष्य और रिश्तेदारी देखेंगे, पहले पकड़ के समझ रहे हैं, देख लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। भगवान को बांधने का प्रयास किया तो भगवान को छोड़ दिया, बलराम जी को बांधने का प्रयास किया होता था, क्या नाम उनका, सांब का विवाह हो रहा था ना दुर्योधन की पुत्री के साथ,
तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो हल लगाए और आधा मैंने हस्तिनापुर को तो आधा दूर खींच करके लेकर गए, मैंने यमुना देवी बहा ही दूंगा इसको, छोड़ूंगा ही नहीं। वो तो बाद में सब लोग विनती कर रहे हैं बलराम जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए, ये तो वहीं बहा देते। तो भगवान गए थे दुर्योधन को, बहुत सुंदर दुर्योधन के लिए समझाने के लिए भगवान गए, बहुत सुंदर प्लान बना कि भगवान इस महल में रहेंगे। तो भगवान ने अपना दुर्योधन ने अपना महल नहीं दिया था, किसका महल खाली कराया था मालूम है? बोलिए हैं, सही बोल रहे हैं, बोलिए ना, दुशासन का अपना महल नहीं दिया उसको, हम अपना महल नहीं देंगे, तुम लोगों को देना है दे दो, है ना। बहुत सुंदर 56 भोग बनवाए, बहुत सारे नौकर चाकर लगाए, अपने नहीं बनाया कुछ, 56 भोग बनाए। लेकिन भगवान तो हमारे प्यार के भूखे हैं ना, प्रेम के भूखे हैं। भगवान आए, बहुत फूल माला इत्यादि से स्वागत किया गया, कुछ नहीं। लेकिन उस समय भगवान को एक गाय भेंट किया गया था, भगवान उससे प्रसन्न हुए और पहले तो आप जानते ही हैं वो घटना, पहले तो समझाया ये लोग समझे नहीं, और फिर बाद में दुर्योधन बोले कि आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। तो खैर मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, अभी जो मैं कहना चाह रहा था दुर्योधन के, कि तुम दुर्योधन को समझा रहे हैं कौरवों की सभा में कि तुम न्याय करो, दे दो आधा राज्य दे दो, लेकिन दुर्योधन के हृदय में रूह रह करके भगवान उसको समझने नहीं दे रहे, बिल्कुल मत देना। कौन कह रहे हैं? भगवान ही दे रहे हैं। इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया है, भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया, अद्भुत कर्म है। भीतर परमात्मा रूप में समझने नहीं दे रहे थे और बाहर से बहुत सारे पॉइंट बता रहे हैं कि समझौता कर लेना चाहिए, जुआ में हार गए, देखो इतने साल वनवास में रहे, एक वर्ष अज्ञातवास में रहे, अब बात मान लीजिए, इत्यादि पांडवों को समझा रहे हैं, दुर्योधन को समझा रहे हैं कि पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए, लेकिन ना, उनके हृदय में बैठ करके कह रहे ना मत देना, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना। अब भगवान जिसे समझाए वह नहीं समझे, यह संभव है? बताइए, संभव है। उस समय दुर्योधन एक बहुत सुंदर बात कहा था, जानते हैं क्या कहा था? जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्तिम, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी कोई प्रवृत्ति रुचि नहीं हो रही है, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें रुचि नहीं हूं। जानामि अधर्मे नचमे निवृत्तिम, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्तिम, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति ही नहीं हो रही है। क्या धर्म है क्या पेप है मैं सब जानता हूं पर उसमें मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। कहता है कि कोई भीतर में है जो हमको रोक रहा है, कौन रोक रहा है? भगवान ही रोक रहे हैं, स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, तो वह समझना नहीं देना चाह रहे हैं। और वास्तव में भगवान दुर्योधन को समझना नहीं देना चाह रहे थे। युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी यह विचार है, स्वयं भगवान समझा रहे हैं, भगवान वेद व्यास भी समझा रहे थे और उनके गुरु महाराज धौम्य ऋषि भी समझा रहे थे और कितने लोग समझाए, पूरा का पूरा सेमिनार चल रहा था। जब भगवान या फिर अन्य ऋषि इनको समझाते तो युधिष्ठिर महाराज ही समझाना शुरू कर देते। 8वें अध्याय में वर्णन है, यहो मि पश्यत ज्ञानम रिधि रूढ़म दुरात्मना, अरे मेरा ज्ञान तो जरा देखो, यह शरीर क्या है? कुछ नहीं है। एक दिन इसको सियार कुत्ते इत्यादि खाएंगे, कुछ नहीं है यह शरीर। लेकिन मैंने इस शरीर की रखवाली करने के लिए कितने लोगों को मरवा दिया। अपनी बात कहते जा रहे थे। अगर आप देखें तो युधिष्ठिर महाराज अपनी सुख के लिए अपनी भोग के लिए युद्ध नहीं कराए हैं, भगवान की इच्छा थी। धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे आगे संवेता मामिका पांडे शिव, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्र में यह क्या हो रहा था?
अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आचार्यगण टीका करते हैं कि भगवान ने वहां पे समस्त असुरों को बुला लिया था, है ना। ये जितने विश्व में असुर थे सब लोग वहां जमा थे, क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना, और भगवान वहां ठान लिए थे कि धर्म क्षेत्र में क्या करूंगा, धर्म की अब यहां से उत्पत्ति होगी, अब यहां से अधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, जो भी आ गया उसको क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा ही दोष है, मेरे अज्ञान तो देखो, इस देह के सुख के लिए मैंने लोगों को मरवा दिया। बलाद्विज सुहृद मित्र पितृ भात्री गुरुद्रोह न मेष्यात निर्यात मोक्ष ही अपि वर्ष आयुत आयुते। मैं जानता हूं कि युद्ध में तो वध तो होता ही है, लेकिन हमने जिनका वध कराया उसमें देखो तो सही कितने बच्चे थे, अनेक ब्राह्मण मारे गए, कितने सगे संबंधी मारे गए, हमारे मित्र हमारे सखा लोग मारे गए, और हमारा कई भाई दुर्योधन आदि मारा गया, कर्ण मारा गया। पूर्वज से तात्पर्य भीष्म पितामह मामा शैल्य जैसे पूर्वज मारे गए, हमारे अनेक गुरुजन मारे गए, भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि, युद्ध में मैंने इतनी इतनी हत्याएं करवाया, इसके लिए मुझे नरक में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ेगा, फिर भी मैं शुद्ध नहीं हो सकता। फिर इनके मन में आया इति भीति प्रजा दोहात, यह अभी प्रथम श्लोक की व्याख्या चल रही है कि इति भीति प्रजा दोहात, नैनोम राज्यम प्रजा भरतुर धर्म युद्धे वधो दुषाम। महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े राजऋषि थे और उनको पता था सब। किसी ऋषि ने कहा, महाराज क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद राजा अश्वमेघ यज्ञ कराता है, तो अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा उसके सारे पाप और हिंसा हत्या का जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज तर्क देते हैं, हां मानता हूं, लेकिन अगर शत्रुओं का वध किया जाए तो धर्म युद्ध में तो राजा को कोई पाप नहीं लगता, राजा प्रजा का पालन करने के लिए युद्ध किया तब कोई युद्ध नहीं लगता, विपक्ष से और ऐसे युद्ध में अनेक लोग मारा जाए तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन राजा किस राजा को, प्रजा भरतुर जो प्रजा का भरण करने वाला राजा हो, लेकिन मैं तो राजा नहीं था, राजा तो दुर्योधन था। तर्क दे रहे हैं किसको पाप नहीं लगता है, जो प्रजा का भरण कर रहा है और भरण करने के लिए मार रहा है तब तो उसको पाप नहीं लगता, और दुर्योधन का प्रजा से तो कोई विद्रोह नहीं था, कोई विद्रोह था दुर्योधन का प्रजा से, प्रजा का पालन तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अधिक कर वसूल भी नहीं कर रहा था, जो था वैसे ही कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मार दिया, प्रजा का पालन तो ठीक से कर ही रहा था, लेकिन मैं लोभी राज्य के लोभ में युद्ध किया इसलिए मुझे पाप लगा। ये युद्ध के अनुचित को बार बार तर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं अन्य तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि कह रहे हैं नहीं नहीं, यह उचित हुआ, आपको कोई पाप नहीं लगा। ये कह रहे हैं पाप हुआ है, प्रजा भरतु प्रजा का भरण पोषण करने वाले राजा अगर युद्ध करता है और युद्ध में वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता, लेकिन मैं राजा नहीं था, राजा तो दुर्योधन था, और वह प्रजा का ठीक से पालन भी कर रहा था, लेकिन राज्य के लोभ में मैंने मरवा दिया, क्या जरूरत थी युद्ध की। और चलो आपकी बात मान ही लेता हूं, मान लिया सैनिक सामने आए लड़ने के लिए तो वह मारे गए, चलो ठीक है, लेकिन स्त्री नाम मत हत बंधु नाम द्रोहो यह आशो इति यह उत्थितः कर्म भी। चलो आपकी बात मान लिया कि सैनिक सामने आए लड़ने के लिए गए, चलो ठीक है मारे गए, वह अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन जो स्त्रियों को हमने कष्ट दिया उसका क्या, युद्ध में बिल्कुल नवयुवती स्त्रियां बिल्कुल विधवा हो गई, नई उम्र में उनके पति उनके भाई उनका पुत्र सब छिना गया, एक स्त्री के लिए पति पुत्र से बड़ा सहायक कौन है। जिस स्त्री का पुत्र ना रहे और पति भी मारा जाए उसका जीवन कितना दुखद होगा। इस युद्ध में अनेक स्त्रियां मेरी वजह से विधवा हुई, उनकी पति पुत्र यहां तक कि उनके भाई भी मारे गए,
अब उनका कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। ये तीन सहारा भाई भी स्त्रियों के लिए तीन सहारा है, कौन सा? पति, पुत्र और भाई। तो मैंने तो सबको मार दिया। अब मानो प्रश्न करे कि शास्त्र जब कहता है, ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन मानो प्रश्न करे कि जब शास्त्र कहता है कि यज्ञ करने से शुद्धि हो जाती, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा कभी कभी व्यक्ति अज्ञान में बोलते हैं, और महाराज युधिष्ठिर इसमें अज्ञान में बोल रहे हैं, करुणा से भरे हुए हैं। जब करुणा होती है ना, हृदय में दया होती है, दुख होता है, तो अज्ञान स्वाभाविक रूप से कवर कर लेता है व्यक्ति को। उन्होंने जो युद्ध किया था वह बिल्कुल उचित युद्ध था। क्यों उचित था? क्योंकि उसमें भगवान स्वयं भाग लिए, और भगवान ने युद्ध के लिए कहा, तो अन्याय कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर युधिष्ठिर महाराज हेतुवाद का आश्रय ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इसको कट कर रहे हैं। संस्कृत में एक शब्द है हेतु। उन्होंने कहा कि जैसे यथा पंकेण पंखा व सूर्या व सुराकृतम, जिस जल में मिट्टी मिला हुआ है उससे किसी गंदे पानी में डालकर साफ नहीं किया जा सकता है। गंदा जल से दूसरा गंदा जल छानकर छाना जाए तो वह शुद्ध होगा क्या? गंदा जल है और फिर उसको गंदा जल से छाना जाए तो साफ होगा? नहीं होगा। सूर्या व सुराकृतम, और शराब जो अशुद्धि हुई है, शराब से जो अशुद्धि हुई है, तो पात्र शराब से गंदा हुआ है। अब अगर उसे शराब से ही धोने का प्रयास किया जाए तो वह धुलेगा, वह शुद्ध होगा? किसी मटके में शराब रहे, निकाल ले शराब, बर्तन शराब से अशुद्ध हो गया, अब फिर उसको शराब से धोने का प्रयास करें तो नहीं धुलेगा। तो उसी प्रकार से एक नर हत्या को भी लाखों हत्या के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता, प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यशोमेघ यज्ञ करने के लिए आप बोल रहे हैं, उसमें तो ऊपर से और एक हत्या हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर तर्क दे रहे हैं, तो हत्या से हत्या के पाप को नहीं टाला जा सकता है ऋषि मुनियों, यह तर्क दे रहे हैं, है ना। और कहा जाता है कि तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारत में भी कहा गया है कि तर्क के द्वारा व्यक्ति किसी चीज को भी गलत कर सकता है और किसी चीज को भी सही साबित किया जा सकता है। मानते या नहीं मानते? तर्क के द्वारा किसी भी चीज को सही साबित किया जा सकता है और किसी भी चीज को गलत साबित किया जाता है। जैसे अब देखिए किसी भी जायज व्यक्ति को भी तर्क के द्वारा हराया जा सकता है। जैसे एक तर्क है, जब गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का मल क्यों नहीं? बताइए, गाय से उच्च है ना ब्राह्मण, है कि नहीं है? हाँ, तो जब गाय का गोबर पवित्र है उससे नीपते हैं तो ब्राह्मण के मल से नीपा जा सकता है? नहीं नीपा जा सकता। ब्राह्मण तो उच्च, बहुत उच्च योनी है, तो उसका मल पवित्र क्यों नहीं? घर और पवित्र हो जाएगा। अब कोई कहे कि भाई शंख भी हड्डी है, तो जब किसी साधारण जीव के हड्डी को भगवान के लिए बजाया जा सकता है, तो कोई वेद पठित ब्राह्मण की खोपड़ी को बजाया जाए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बोले वो तो और अच्छा, कोई सुरीला आवाज निकालने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण, कुछ सुरीला आवाज निकालने वाले व्यक्ति की खोपड़ी को बनाया जाए तो क्या और अच्छा आवाज निकलेगा? नहीं, उल्टा पूजा नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो वह पागल माना जाएगा। तो जो शास्त्र कहता है वह मानना चाहिए। शास्त्र कहता है गोबर पवित्र है, शास्त्र कहता है शंख पवित्र है, तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना लौकिक बुद्धि उसमें नहीं लगाना चाहिए।
तो महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, तो क्या रब क्या किया जाए, भगवान हार गए, भगवान वेद व्यास हार गए, सारे ऋषि हार गए, समझाते समझाते जिसको राज्य करना है, प्रजा का पालन करना है, अगर वही व्यक्ति अधीर हो जाए तो क्या। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाते थे, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे ये शरीर धारण करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे इस शरीर को छोड़ देना चाहिए, मैं क्यों इस शरीर को धारण करके रखूं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, क्योंकि उनके राजा बनते ही सब ठीक हो जाएगा, उनके राज्य में एक भी दुराचारी नहीं था। जिन स्त्रियों के पति पुत्र भाई मारे गए उनको इतना सुंदर पालन किए, युधिष्ठिर महाराज के राज्य की तुलना राम राज्य से की जाने लगी। एक भी पापी नहीं, एक भी जुआरी नहीं, शराबी नहीं, चोर नहीं, व्यभिचारी नहीं, इतना सुंदर राज्य किए। लेकिन राज्य लेने से पहले इतने शोक कर रहे थे। तब भगवान ने कहा, भैया आपका ये अविवेक कैसे जाएगा, आप कैसे समझेंगे। युधिष्ठिर महाराज तो उस समय अविवेक समझते ही नहीं थे, तो भगवान ने कह दिया, युधिष्ठिर महाराज आपका अज्ञान हम लोग नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि हम तो ज्ञानी नहीं है, है ना, हम तो आपके छोटे भाई हैं और आप हमसे बड़े हैं। और युधिष्ठिर महाराज को कभी कभी जब भगवान कृष्ण समझाने के लिए जाते थे तो उनको डांट भी देते, तुम जाओ उधर, तुम फालतू हमको परेशान मत करो, तुम जाओ उधर, तुम क्या जानते हो, हमको नर्क जाना होगा, तुम नहीं जानते, तुम तो छोटे हो, हमसे क्या जानोगे, जा। वेद व्यास जी की बात, धौम्य ऋषि की बात को तो कुछ सुनते भी थे। अब भगवान जैसे ही जाते थे इसको डांट कर बैठा, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम कुछ मत बोलना, तुम चुप रहो। तो तुम जाओ अपना कार्य करो, हमारे भाग में जो लिखा है हम करेंगे, होकर रहेगा, कुछ होने वाला नहीं। तब भगवान ने बात ही बात में कह दिया कि महाराज मुझे लगता है कि आपको एक बार पितामह भीष्म से पूछ लेना चाहिए, क्या उचित है, सबसे अच्छा बात यही होगा कि आप उनसे पूछ लीजिए। महाराज आपको इस संसार में एक ही व्यक्ति अब समझा सकता है, एक ही व्यक्ति मना सकता है, कौन, गंगा पुत्र भीष्म, अतः आपको उनसे पूछ लीजिए। कृष्ण की हार्दिक इच्छा थी कि भरत पुंग व पितामह भीष्म उपदेश प्रदान करें, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म जैसा विख्यात अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का जिन्होंने पालन किया, ऐसे महापुरुष यदि भक्ति का उपदेश देंगे तो संसार के लोग उसे स्वीकार करेंगे। और इसलिए भगवान युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर भी नहीं होने दिए। बाहर से तो समझाते थे और अंदर से नहीं समझना, नहीं समझना कहते थे। कृष्ण ने कहा, महाराज कुरु वंश का सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए इससे पहले कि अस्त हो जाए आप पितामह के पास जाओ और जाकर सभी धर्मों के प्रति ज्ञान ग्रहण करो। वह संसार के समस्त धर्मों को जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया, हाँ ये बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। युधिष्ठिर महाराज कुछ भी हो, छोटे थे, डांट देते थे भगवान को, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम से भरे रहते थे। अतः उन्हें कभी कभी भगवान के ऐश्वर्य का ध्यान नहीं रहता था। जब ये बात भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म इस संसार के अभी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, तो जो कहेंगे सो सही कहेंगे और धर्म धर्म सम्मत बात कहेंगे तो आप उनकी बात को मान सकते हैं ना। तो युधिष्ठिर महाराज कहे, जी मैं उनकी बात को मान सकता हूं। कृष्ण ये बात पहले से ही चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज अपना गुरु अब पितामह भीष्म को बनावे और उनसे समस्त धर्मों की शिक्षा लेवे। युधिष्ठिर महाराज को यह बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने यह बात मान ली
और कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हुए, जहां पर पिता भीष्म सरसैया पर वानों की सैया पर पड़े थे। तो यह निश्चित हुआ युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान लेने के लिए जाएंगे। राजा थे, तुरंत समाचार पहुंच गया। महाराज युधिष्ठिर तैयार हो गए, उनके साथ साथ उनके भाई गुरु द्रौपदी तैयार हो गई और कुरुक्षेत्र में आए। तो ये प्लेटफॉर्म था। अब कथा यहां से प्रारंभ हो रही है, दशम स्कंद, क्षमा चाहूंगा, प्रथम स्कंद, नौवां अध्याय, श्लोक संख्या 1। श्री शुत वाच इति भीत प्रजा द्रोहा सर्वधर्म विवीत्सया ततो विनश्नम् प्रागाः यत्र देवव्रतो पतत। तब यह निश्चित हो गया कि युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से प्रश्न करेंगे, ज्ञान लेंगे, जानने की इच्छा से विनश्नम् प्रागात, कुरुक्षेत्र को विनश्नम् कहा गया, मतलब विनाश भूमि। कुरुक्षेत्र विनाश भूमि है। किसके लिए विनाश भूमि है? अधर्म के लिए विनाश भूमि है। वहां कभी भी अधर्म नहीं उगता, धर्म ही उगता है। धर्म क्षेत्र अधर्म का विनाश हो जाता है। तो विनश्नम शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यह क्षेत्र पाप का अधर्म का विनाश कर देता है। विनश्नम प्रागात, विनाश स्थल पर गए। और उस कुरुक्षेत्र में भी कहां गए? तो यत्र देवो व्रतो अपतत, जहां पर कौन गिरे हुए थे? देवव्रत। देवव्रत कौन है? भीष्म पितामह वान की सैया पर पड़े हुए थे। युद्ध बंद हो गया था और भीष्म पितामह इस युद्ध भूमि में पड़े थे। पितामह भीष्म कुल मिलाकर कितने दिन तक सरसैया पर लेटे थे, बताइए? बोलो बोलो। दिन दिन काउंट, कोई पूछ देगा क्या बोलिएगा? बोलिए। अरे तो दिन काउंट करके बताइए, 10 दिन 20 दिन 21 दिन 25 दिन 55 दिन 56 दिन 57 58 59 कुछ तो बताइए। 100 लोग तो 200 लोग तो होंगे ही, एक एक व्यक्ति बोलते जाइए, बोल दूंगा सही है। काउंट करिए, 1 2 बोलिए। कितने दिन तक? 6 महीने क्या नहीं पड़े? पितामह भीष्म कुल मिलाकर के 58 दिन तक वानों की सैया पर थे। कितने दिनों तक? और इस समय उनकी उम्र कितनी थी? 400 वर्ष। तो जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र की ओर चले तो तदाते भ्रात्रः सर्वे सदस्वे स्वर्ण भूषिते अन्वगच्छन् रथेन विप्रा रथेर विप्रा व्यास धौम्याद्यस्त था। ऋषि महाराज जब जाने के लिए तैयार हुए तो बहुत उच्च कोटि के घोड़ों के रथ पर जाने के लिए तैयार हुए। कहते अकेले नहीं गए, उनके साथ चारों भाई साथ हो लिए और देवी द्रौपदी भी साथ हो ली और साथ ही साथ व्यास देव धौम्य ऋषि आदि भी चले। सब लोग चले। ये लोग जानते थे कि जब महाराज प्रश्न करेंगे तो पितामह भीष्म से बड़ा ज्ञानी अभी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। पितामह भीष्म द्वादश महाभागवतों में से एक महाभागवत, भगवान वेदव्यास जी
भी आए इनके प्रवचन सुनने के लिए। परम भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, इतने बड़े भक्त हैं कि इनके इस प्रवचन को सुनने के लिए बड़े बड़े राज ऋषि, देव ऋषि, महर्षि सब आए हैं। वेद व्यास जी आए, धौम्य ऋषि आए और भी अनेक लोग आए। भागवत में द्वादश महाभागवतों का वर्णन, कौन से? स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वय द्वादश ते विजानीमो धर्मम भागवतम भटः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतम वशुते। ब्रह्मा जी पहला कौन हो गए? दूसरा नोट करिए, पहला हो गए स्वयंभू, स्वयं भी मतलब ब्रह्मा, दूसरा नारद, तीसरा शंभू, शंभू मतलब शिव जी, चौथा चतुष्कुमार, पांचवा भगवान कपिल, छठा स्वयंभू मनु, सातवा प्रहलाद महाराज, आठवां जनक महाराज, नौवां भीष्म पितामह, दसवां बलि महाराज, ग्यारहवां सुखदेव गोस्वामी तथा मैं। कौन? हाँ, यमराज। ये सब द्वादश ज्योतिर्लिंग, क्या कहते समझ, द्वादश महाभागवत। ये यमराज जी छोटा मोटा मत समझिए, यमराज जी कौन है? द्वादश भागवत। मुख्य रूप से शुद्ध गोस्वामी संबंध संबोधित कर रहे हैं विप्र, हे शौनक आदि ब्राह्मणों, महाभारत युद्ध के सभी भाई चले महाराज युधिष्ठिर के साथ, सदशेव सद समझूंगा सद अश्व, सब लोग रथ पर होकर के चले, सद अश्व रथ, जिन रथों में बहुत सुंदर सुंदर सुशील घोड़े लगे हुए थे, व्यास धौम्यस धौम्याद यस तथा व्यास धौम्य तथा बड़े 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 ब्राह्मण भी चले। कहा तो जहां पे पितामह भीष्म के प्रवचन को सुनने के लिए, जहां पे ये प्रवचन होने वाला था, बड़े बड़े ब्राह्मण चले, है ना, बड़े बड़े ब्राह्मण चले। और उस ब्राह्मणों में मुख्य कौन थे? व्यास और धौम्य ऋषि। अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान अपी विप्रेश रथेन स धनंजय सत्यप्रिय रचोत्रिप कुवेर इव गुह्यके। युधिष्ठिर महाराज चले और उनको भाइयों के साथ साथ भगवान भी चले। कहां जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर की ओर रथेन स धनंजय। कुरुक्षेत्र किसको कहते हैं? कौन किधर है कुरुक्षेत्र? पंजाब में। उधर से किधर आ रहे हैं? हस्तिनापुर की ओर, मतलब दिल्ली की ओर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्षमा चाहूंगा, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं, मतलब दिल्ली से पंजाब की ओर चल रहे हैं। पितामह भीष्म रथेन सह धनंजय रथ पर चढ़कर धनंजय के साथ चले। पितामह भीष्म को यह सारथी स्वरूप बड़ा पसंद था भगवान का, आगे कहेंगे, बहुत सुंदर लगता था। और भगवान कहे ना कि जिस रूप में मुझे भजोगे मैं उसी रूप में मिलूंगा, तो राधा पार्थ सारथी के रूप में वो भजते थे, तो पार्थ सारथी के रूप में ही भगवान उनके पास पहुंच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बड़े सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए, कौन से रूप में भजन कर रहे हैं, पारसारथी के रूप में, तो भगवान आज पारसारथी के रूप में ही वही भेष बना करके चले हैं। आज भी भगवान ही सारथी बने हैं, आज पितामह भीष्म क्या करने वाले हैं? शरीर छोड़ने वाले हैं। भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम लोग भक्ति किए अंतिम अवस्था में नहीं हो पाया, तब डरो मत, उसे भगवान याद दिलाने के लिए आएंगे। जीवन भर जम करके भजन तो करो, अंतिम में भगवान याद दे रहा है, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भजन करो, भजन करेंगे तब
तब भगवान पारसारथी के रूप में श्याम सुंदर के ऊपर, राधा दामोदर के रूप में, राधा माधव के रूप में आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। छोड़ रहे हो शरीर, आ जाओ चलते हैं। तो भगवान स्वयं ही रथ चलाते हुए स्वार्थी स्वरूप में चले हैं, रथ को हांक रहे हैं, और भगवान इसी रूप में, भगवान के इसी रूप में पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करना चाहते थे। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। तो भगवान का इसी रूप में वो दर्शन करना चाहते थे। अतः हे विप्रेश, हे श्री शौनक जी, भगवान भी चले। और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। कैसे प्रतीत हो रहे थे? राजसी, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। भगवान ऐसा चाहते थे कि यह सब अंतिम समय में ऐसे राजसी ठाठ बाट से पितामह भीष्म के पास जाए, उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो जाए। इसमें युधिष्ठिर महाराज के सुंदरता और ऐश्वर्यता दोनों का वर्णन किया गया है। कुबेर जी धन के स्वामी हैं, वह अलकापुरी में रहते हैं। वे चलते हैं ना तो अनेक यक्ष उन्हें घेरे रहते हैं, वैसे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों से घिर करके चल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ये बात सारे संसार में उसमें वायु वेग से फैल गए। अब ये सुन करके, अब उस समय तो इतना नहीं था कि बैनर बनवा करके चिपकाया जाए, गेट बनवाया जाए, पोस्टर बनवाया जाए, उसमें प्रचार करने वाले एक ही व्यक्ति थे, कौन? नारद जी। तुरंत वायु वेग से चारों ओर बात फैल गई। आज तक ये सब फैल, नारद जी फैला देंगे। और कहते हैं जैसे ही ये बात पता चली, समस्त ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ उस सभा में उपस्थित हो गए। तो ये लोग वहां गए, कहां गए? तो कहते हैं दृष्टवा निपतम भूमो दिश अच्युतम वामर, जहां पर भीष्म पितामह वानों की सैया पर सोए हुए थे। तो इन्होंने देखा, दृष्टवा निपतितम भूमो, जमीन पर, भूमि पर, वान की सैया पर भीष्म पितामह गिरे हुए थे। और वह कैसे लग रहे थे, तो इसका भी वर्णन बहुत सुंदर किया गया। ऐसा नहीं किसी आम आदमी की तरह वह गिरे हुए थे, नहीं, कैसे लग रहे थे? स्वर्गम स्वर्गम दिवश्युतम इवामरम, जैसे कोई स्वर्ग से देवता गिरा हो, अमर देवता गिरा हो। दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवःच्युत इव अमरम् प्रणेमु पांडवा भीष्णम् सानुगुः सचक्रेण। है ना, जैसे कोई स्वर्ग से देवता गिरा हो, कोई अमर देवता स्वर्ग से गिरा हो, पितामह भीष्म उस प्रकार से लग रहे थे। इनका शरीर देवता के समान लंबा था, गोरा था, बहुत ही सुंदर शरीर, तो एकदम देवता की तरह पितामह भीष्म लग रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
एकदम देवता के समान लग रहे थे। तो उनको देखकर, अपने प्रिय पितामह को देखकर के पांचों पांडव प्रणाम करके, प्रणमे पांडव, किसने प्रणाम किया? पांडवों ने प्रणाम किया। किनको? देव भीष्म पितामह, अपने पिता को, अपने पितामह को प्रणाम किया और सिमट करके, दुबक करके, आप समझ रहे हैं ये सब सिमटना, दुबक करके बैठ गए। अपने पितामह के इस हालत को देखकर पांडवों के आंखों में आंसू आ गए। पांडवों ने प्रणाम किया, प्रणेमु पांडवा सानुगा सह चक्रिणा, अपने अनुगामियों के साथ प्रणाम किया और सह चक्रिणा मतलब सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान ने भी उन्हें प्रणाम किया, भगवान ने भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान इस घर के संबंधी थे ना। पांडु महाराज फूफा थे, कुंती बुआ भगवान के, और पांडव उनके फूफेरे भाई थे, तो इस नाते से पितामह भीष्म उनसे बड़े थे। एक बात मैं कह दूं कि जो लोग देरी करके आते हैं ना, वो ये कथा नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर बोले कथा में रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, नहीं आएगा जो विलंब करके आएंगे, लेकिन जो शुरुआत से सुनेंगे, मैं इस बात को फिर चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो छोड़ नहीं पाएंगे कथा को। तो कृपया सब समय आइए। तो अगर कथा समझना हो तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये संसार में जैसे कुछ कथाएं होती है ना, कभी भी गए अरे चले गए थोड़ा कुछ सुन लिए, वैसी कथा नहीं है। ये कथा को समझना होगा आपको। यहां स्वीकृति नहीं बांटी जा रही, यहां पे धर्म बांटा जा रहा है, क्षमा चाहूंगा भक्ति बांटा जा रहा है, भक्ति दिया जा रहा है। तो कृपया ससमय आए। मैं 1:30 बजे यहां आ गया था, फिर भी बहुत कम लोग थे, अभी धीरे धीरे कर, अभी भी कुछ लोग आ ही रहे हैं। तो पांडवों के फुफेरे भाई, भगवान के फुफेरे भाई थे, तो भगवान तो अर्जुन के समक्ष थे, समकक्ष थे, तो उन्होंने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, बड़े थे। चक्रिणा, भगवान को चक्रिणा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हाथ में उनके चक्र, इसलिए चक्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा, होमवर्क है सारी चीजें, कहां गए, कैसे गए, कौन से रूप में गए, हाथ में क्या रहता है। तत्र ब्रह्म ऋषे सर्व देवर्ष सत्तम राज ऋषस्य तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। उस समय कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रह्म ऋषिगण, सर्वे देव ऋषि, समस्त देव ऋषिगण और समस्त राज ऋषिगण भरत पुंग पितामह भीष्म को दर्शन के लिए आए थे। कह रहे हैं कि लोग आ चुके थे, ये लोगों के, पांडवों के पहुंचने से पहले ही ये लोग वहां प्रकट हो चुके थे कि कथा सुननी है। आज तो अनाउंस कर करके थक जाइए, बैनर लगा लगा के थक जाइए, लेकिन फिर भी अरे जाएंगे ना। अभी तो जय राधा माधव विष्णु, जय राधा माधव तो गाते ही है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव होगा, उसके बाद घर से निकलेंगे। व्यवस्था तो है ही, आवाज पहुंच ही रही है, सुन ही लेते हैं घर पर पे प्रभु जी। ये सही तरीका, ये लोग आए, देखिए ये सब सब कौन कौन लोग आए, तो देखिए क्या कह रहे हैं। तत्र ब्रह्म ऋषि आए, सर्व देवर्ष सत्तम, जो सब लोग जाने वाले हैं, ऐसे देव ऋषि आए, राज ऋषस्य, सारे राज ऋषि आए, क्यों? द्रष्टुम भरत पुंगवम, भीष्म पितामह को देखने के लिए। देखने के लिए मतलब क्या हुआ? क्या बोले? आज माता जी हलवा बड़ा अच्छा बनाया, थोड़ा दिखाइए तो, इसका मतलब क्या होगा? बोलिए बोलिए, हैं? देखने का अर्थ क्या हुआ?
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो समय कथा पंडाल में पहुंचना चाहिए ताकि कथा सुध ना जाए। तो ये लोग पहले कि भाई प्रश्नकर्ता आए इससे पहले ही पहुंच गया कि थोड़ा मिस हो गया तो थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, तुरंत समाचार फैल गया था। आजकल हम लोग फोन व्हाट्सएप यूज करते हैं, 10 मैसेज डालो फिर भी लोग कथाओं में नहीं आते हैं। लेकिन खैर उस समय की टेक्नोलॉजी अभी से काफी विकसित थी, तो सभी को तुरंत पता चल गया और सभी लोग तुरंत पहुंच गए। सब लोग पहुंचे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से कुछ व्यवहारिक शिक्षा, कुछ व्यवहारिक धर्म या कुछ आध्यात्मिक शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो सारे ब्राह्मणगण सर्व देव ऋषिश्च समस्त देव ऋषिगण समस्त राज ऋषि तत्र आसन वहां पर आ पहुंचे भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए जुटे और उनका दर्शन करने के लिए कि किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा ये भी देखने के लिए पहुंचे। सब लोग को पता है कि आज ही पितामह भीष्म को भगवत प्राप्ति होने वाली, तो पहले से प्राप्त था लेकिन आज भगवान के धाम जाएंगे, है ना। किस चेतना में कैसा क्या बोल करके इस तरह से वो देखना चाहते थे। उनको विश्वास था कि देह त्याग के समय भगवान साक्षात सामने रहेंगे और पितामह भीष्म सीधे भगवान धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, तो वह इन चीजों को देखना चाहते थे। तो सारे ब्रह्म ऋषि राज ऋषि सभी लोग आए। कौन कौन आए उनका नाम भी यहाँ पे सुध गोस्वामी बताए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायन बृहस्व भरद्वाज शशिष्य रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्तुतो गृत समदो असित कक्षिवान गौतम त्रिश कौशिको अस्त सुदर्शन। ये सारे ऋषि आए। कौन कौन आए थोड़ा इन ऋषि मुनियों का इतिहास जानना हमारे लिए जरूरी है, है ना। बहुत सारे आए, उनमें से कुछ प्रधान के नाम गिनाए, है ना। पर्वत मुनि आए। कौन आए? पर्वत मुनि। ये पर्वत मुनि गंधर्वों में जन्म लिए हैं। जैसे श्री नारद जी गंधर्वों के साथ रहते हैं, तो प्रायः नारद जी के साथ पर्वत मुनि रहते हैं। कई उन अवसर पे उनको साथ में देखा गया है। तो वह दोनों साथ में महाभारत में भी आए थे, द्रौपदी के स्वयंवर में भी आए थे, अन्य पुराणों में भी ऐसा लिखा है। नारद मुनि पर्वत ऋषि के साथ आए, राजसी यज्ञ देखने भी दोनों साथ में आए थे। नारद मुनि पर्वत ऋषि के साथ आए थे। तो फिर नारद ऋषि, आप नारद ऋषि के विषय में तो आप जानते ही हैं। नारद ऋषि इस दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े प्रीचर है और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भी हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं। ये जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब किनके स्टूडेंट हैं? नारद जी के। और यह डायरेक्ट ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हैं। तो अपनी परंपरा में, परंपरा को ब्रह्मा जी नारद जी में ही दिए। ब्रह्मद्व गौड़ी संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद श्री नारद जी आते हैं और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने माधवाचार्य जी को दिया, ज्ञान दिया और माधवाचार्य जी के बाद ये परंपरा माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ तक आए। तो नारद मुनि ही वास्तव में वैष्णवों के आचार्य हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों में कृष्ण भावना का प्रचार किया। तो ऐसे नारद जी आए और आगे कह रहे धौम्य। कौन आए? ये धौम्य ऋषि आए। धौम्य ऋषि पांडवों के खास पुरोहित हैं और इन्होंने युधिष्ठिर महाराज के साथ वनवास में भी दिया है। जब वन में गए तो महाराज युधिष्ठिर उस समय भी ये साथ साथ में थे। कई अवसर पर इनका बहुत बड़ा उपकार किए हैं, उद्धार किए हैं। पुरोहित है,
पुरोहित का कर्तव्य है कि वो अपने जजमान का क्या कराए, हित कराए, कि केवल अपना हित करे, है हित कराए, अपने जजमान को कथा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए भेजे। भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। पूरम हित करोति इति पुरोहित, जो दूसरों का हित करे वो पुरोहित है। लेकिन आज इसका मीनिंग चेंज हो गया है प्रायः, है ना, आज इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये गलत बात है। ये इस प्रकार से आए और भगवान बादरायन, बादरायन मतलब क्या हुए, भगवान वेद व्यास जी भी आए। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, भगवान वेद व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र हैं और सत्यवती से इनका जन्म हुआ। और जितने भी इतिहास पुराण शास्त्र की रचना, यह सब भगवान वेद व्यास जी ने किया। और भगवान के वांग्मय अवतार है, इनका अवतार ही हुआ क्यों, ग्रंथों को संकलन करने के लिए आए। संकलन करने लगे, संकलन करने लगे, संकलन करने लगे, 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद लिख दिए। लेकिन मन में शांति नहीं हुआ, मन में शांति नहीं हुआ, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय इनके गुरु वेद व्यास जी के गुरु कौन है, नारद जी वहां प्रकट हुए। और नारद जी ने उनको बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि तुमने सब कुछ तो लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो लिखना था वो नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, तुमने बहुत सारे पुराण लिख दिए, लेकिन जिसके लिए तुम्हारा अवतार वही नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा तुमने, वेद व्यास जी तुमने क्या किया, जिसकी विवाह उसके गीत गा दिए। समझ रहे, जैसे विवाह होता है तो अब लड़का कितना भी काला कलोटा क्यों ना हो, उसको सवेरे एक बार देख लीजिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा, इतना खराब रूप है। लेकिन शादी के दिन हमारा दूल्हा ऐसा है, हमारा दूल्हा वैसा है, हल्दी लगा के और सुंदर हुआ, वो हल्दी लगा के बंदर हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी जय जयकार होती है। ए वेद व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं। अतः अब आप क्या करो, श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंग वापरेश्वरः, अब आप भागवत पुराण लिखो और भगवान के गुणों का वर्णन करो। तब बोले आप इतना चिंतित इसलिए हैं क्योंकि जब कलयुग में ये लोग मिलेंगे ना, कलयुग में ये जो आपने अन्य अन्य पुराण इत्यादि लिखा है, जब ये लोग कलयुग में मिलेंगे ना तो उस समय ये लोग लड़ेंगे वेद व्यास जी, और उनके लड़ने का जो दोष है ना वो आपके कंधे आ गया है, इसीलिए आपका मन जो है सो व्यथित है। तो महाराज आप अंतिम में भगवान की दिव्य कथा को लिखो। तो उस समय वेद व्यास जी ने फिर यह भागवत पुराण लिखा और उसमें लिखे श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंग्वा परिश्वर। अरे अब अन्य और चीजें पढ़ करके क्या फायदा, जब मैंने क्या लिख दिया है, श्रीमद भागवत लिख दिया, तो अन्य पुराण पढ़ करके क्या फायदा। जब मैंने भागवत पुराण लिख ही दिया है और पढ़ करके क्या करोगे, इसलिए केवल और केवल अब भागवत पुराण पढ़ो, जिनसे जन्मादशयतो वयात चरिता अर्थेष्व विज्ञस्वरा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरया तेजो वारिमृदं यथा महिमयो मयत्रो यत्र सर्गोऽहं मृषा धाम्ना स्वेन सदा पितृकुहकं सत्यं परम धीमहि जब मैंने लिख दिया है जन्माधर्ष्य यतो वयात स्वराट अभिज्ञ स्वराट जब भगवान के विषय में लिख दिया फिर अन्य किंवा परिस्वर अन्य चीज पढ़कर क्या करोगे कोई फायदा नहीं तो ऐसे वेदव्यास जी आए आगे पांडवों के परिवार से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध भी था आप जानते हैं यहां तक इन्होंने अपने भाभियों से पुत्र उत्पन्न किया मां की आज्ञा से तो ऐसे भगवान वेद व्यास जी भीष्म पितामह का प्रवचन करने सुना है बृहत्स वो कौन आए बृहत्स एक महान ऋषि थे और भरद्वाज भरद्वाज जी भी आए जिनका आश्रम आज भी कहां है प्रयागराज में है ना कई अवसर में महाराज युधिष्ठिर के साथ रहे बहुत काल से हैं और आपको याद हो तो इनका नाम आप कहां सुनते हैं भरद्वाज मुनि क्या कहां रहते हैं भरद्वाज जी बोलो बोलो कहां रहते हैं अच्छा भरद्वाज मुनि का नाम और कहां सुनते हैं आप लोग हाँ? इलाहाबाद तो भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं प्रयाग में रहते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं ये इनके साथ और एक आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं बोलिए बोलिए भरद्वाज मुनि के विषय में और क्या जानते हैं भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग कुछ याद नहीं आया ट्यून भी बता दिया चलिए इनके साथ एक और जोड़ देता हूं याज्ञवल्क ऋषि अब बताइए रामचरितमानस हरी बोल बहुत अच्छा भागवत के मुख्य श्रोता प्रमुख श्रोता जिन्होंने जागबल्क ऋषि से भागवत सुना राम रामचरित्र सुना भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग बस ही प्रयाग भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग तीन ही राम पद अति अनुराग तीन ही राम पद अति भरद्वाज मुनि जो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं कहाँ रहते हैं प्रयाग में रहते हैं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज ऋषि का आश्रम है
कथा से राम कथा प्रारंभ होती है। राम मुनि भरद्वाज मुनि के विषय में कहते हैं तीन ही राम पद अति अनुरागा, राम के चरणों में उनकी बड़ी रुचि। तापस सम दम दया निधाना, 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 परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि जो अपने सब अपने मन को वश में कर चुके हैं, दम बड़े अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, जिनके हृदय में पूर्ण दया है, एक साधु एक संत के सारे गुण भरद्वाज ऋषि में, ऐसे भरद्वाज ऋषि का तीर्थराज प्रयाग में आश्रम है। माघ मास में जहाँ पे बहुत सुंदर कुंभ मेला लगता है, अनेक ऋषि मुनि लाखों लाख संतों के साथ आते हैं और उनके रहने की व्यवस्था कौन करते हैं? भरद्वाज मुनि। ऐसे भरद्वाज मुनि का भगवान श्री राम के चरण परम। एक बार ऐसे माघ महीना लगा, मेला लगा, समस्त ऋषि मुनि आए और एक महीना रहने के बाद वैनी माधव का दर्शन किए, तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए, अक्षय वट वृक्ष को प्रणाम किए और सब ऋषि मुनि जाने लगे। और जब जाने लगे उसी समय एक ऋषि जिनका नाम था जागवल्क, जाग बल्क मुनि परम विवेकी, 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 पर गाच राखे पद ते जागवल्क मुनि जो परम विवेकी हैं, ऐसे विवेकी ऋषि के पद को पकड़ लिया किन्होंने? भरद्वाज ऋषि को, और उनसे जिज्ञासा किया कि प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे राम कथा सुनाइए, मैं राम के विषय में कुछ नहीं जानता। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विधि संसारा, चरित विदित संसारा। अद्भुत प्रश्न किए प्रभु, मेरे मन में एक संदेह है, बोले मैं एक राम के विषय में सुना है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो दशरथ जी के पुत्र और सीता जी के पति हैं, जिनके चरित्र सब लोग जानते हैं, अपने पति के पत्नी के विरह में जंगल जंगल भटकता रहा और रात दिन सुनता रहा, नहीं सुन सुन रात दिन रोता रहा। नारी बिरहु दुख लहे हूँ अपारा, नारी बिरहु दुख लहे हूँ अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। दशरथ जी के पुत्र अपनी पत्नी के विरह में रात दिन रोते और इतने क्रोधित होकर कि रावण जैसे ब्राह्मण को मार डाला। प्रभु, एक तो ये राम हो गया और दूसरे राम भी हैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं।
कहीं ऐसा भी सुना है भगवान इस संसार में निराकार ब्रह्म रूप में कण कण में रहते हैं। प्रभु ऐसा भी सुना है कि यही राम है क्या जिनका नाम रात दिन भोलेनाथ राम 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 जपते हैं। अब मेरे मन में संदेह हो रहा है कि शिव जी जिनका नाम जपते वह राम कौन है, रावण को जिसने मारा, पत्नी के विरह में जो रोते रहे वह राम कौन है। प्रभु यदि राम दशरथ के पुत्र है तो इस संसार के घट घट में जो व्याप्त है वह राम कौन है, सबके हृदय में जो विराजते वह राम कौन है, कौन साधारण व्यक्ति कौन राम है प्रभु आप बताए। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी जो बहुत ही सुंदर प्रश्न किए, भरद्वाज ऋषि जो याज्ञवल्क्य जी से बहुत सुंदर प्रश्न किए और उनके ही प्रश्न से फिर क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनाई। तो इस प्रकार से और वनवास के क्रम में चित्रकूट जाने के समय वहां पर भगवान ने इनका स्वागत किया और बाद में जब भरत महाराज राम को लेने के लिए आए तो भी उनका भी स्वागत भरद्वाज ऋषि ने किया। और इनके ही एक बार ये सरयू किनारे गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे इनके वीरी का स्खलन हुआ जिसको बाद में एक मटका में रख दिया गया जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। और शिष्यों रेणुकासुतः और कौन आए, शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी गए। रेणुकासुत कौन हुए, रेणुका और जमदग्नि के पुत्र है ना परशुराम जी। अब देखें पता चलता है तो परशुराम जी के साथ पितामह भीष्म से युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, अंबा अंबालिका वाले केस में हुआ था ना। तो लेकिन आज जब पितामह के मुख से कथा होने जा रही है, ज्ञान मिलने जा रहा है, तो भगवान परशुराम वह सारी चीजों को भुला करके ज्ञान लेने के लिए आए हैं। गुरु हैं, एक तरह से पितामह के गुरु हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान लेने के लिए आए। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, युद्ध तक हो गया था, लेकिन आपसी बैर हो करके, आपसी बैर को भुला करके फिर भी इस कथा सुनने के लिए आए थे। आज कुछ लोग इसलिए नहीं आते, नहीं जो ऑर्गेनाइजर है ना उसके साथ हमारा लड़ाई चल रहा है इसलिए हम नहीं जाते हैं। ऑर्गेनाइजर के साथ लड़ाई चल रहा है, भगवान के साथ तो नहीं। कथा सुनना जी, सब कुछ भुना करके कि मैं गुरु हूं कैसे सुनूंगा कथा, भूल करके आए हैं। क्योंकि आज अपने पितामह भीष्म अपने अनुभव पुंज को खोलने जा रहे हैं भगवान के प्रति, तो पहले के सारे बातों को भुला करके सुनने के लिए आए। और आगे देखा जाए तो पता चलता है परशुराम जी पितामह से बड़े थे, बड़े थे कि नहीं, परशुराम जी कब से हैं, त्रेतायुग से ही हैं, और वह पितामह भीष्म के गुरु भी थे। तो गुरु होकर के शिष्य के प्रवचन को सुनने आ रहे हैं, यह है भारतवर्ष के मुख में गुरु होकर के शिष्य के मुख से प्रवचन सुनने आ रहे। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं शुद्ध ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने शिष्य से अपने पुत्र से, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह उनसे वह ज्ञान ग्रहण कर ले, यह बुद्धिमानी है। वह दृष्टांत देता है, देते हैं जैसे सोना, सोना ऐसे अगर कीचड़ में पड़ा रहे तो उसको नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाएंगे, उठाएंगे आप लोग हाँ। अब मैंने इतना बड़ा एक सोना का मान लीजिए बिस्किट आप जा रहे हैं और रास्ते में नाले में पड़ा हुआ रहे, ओह नाला में पड़ा हुआ था, कौन सोना उठाएगा, छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे क्या, कुछ देख तो नहीं रहा, देखो उठा करके उसको पहुंचेंगे भी नहीं, पहले पैकेट में चल, भले 2-4 हजार रुपए का शर्ट पहने लेकिन शर्ट गंदा होगा चलेगा, अरे सोना आ गया तो 2-4 शर्ट तो ऐसे ही खरीद लेंगे।
तो उसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान होता है, चाहे सास शिष्य दे, 5 साल के बालक दे, तो ज्ञान प्राप्त करने क्या कर लेना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति हमसे बड़ा हो सकता है। यानी कि 30-60 साल का व्यक्ति जब प्रवचन करेगा ना, तभी मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगा। 30-32 साल के लड़के लोग प्रवचन करते हैं, भक्त लोग प्रवचन, उससे क्या सुनूंगा, अरे वो लगता है बच्चा है, समझ रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। आज तो सिचुएशन ये है कि आप कहें बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर प्रवचन है, आप आओ ना, कहते ना ना हम उस ग्रुप से हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां हम नहीं जाएंगे, ये सब अच्छा बात नहीं है। तो साक्षात भगवान है दुनिया को लीला देने के लिए, ये लीला कर रहे हैं, भगवान ने ऑर्गेनाइज कराया है। तो भगवान परशुराम भी गए हैं। तो रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऋषि आए वह अपने शिष्यों के साथ आए, यह बहुत आवश्यक है। एक महान भक्त के मुख से, एक भक्त के मुख से भगवान की बातें सुनी जाए, भगवान के बारे में अपना अनुभव पितामह भीष्म बताएंगे, इसी को सुनने के लिए सब ऋषि मुनि आए। ऐसा नहीं कहा किसी शिष्य को कि तुम आश्रम का ध्यान रखना, मैं आता हूं, नहीं, सब लोग चलो, यह गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को लेकर के जाए ऐसे अवसर पर, है ना। शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही होता है कि उन्हें भगवान के विषय में सुनने का मौका शुद्ध भक्तों से दिया जाए। सीखना चाहिए। तो ऐसे गुरुओं को, पितामह भीष्म के इस उद्गार को सुनना चाहिए। तो शिष्य को लेकर के आए वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि आए हैं। वशिष्ठ जी जो साक्षात भगवान के पुरोहित हैं, एक बहुत दीर्घजीवी हैं। आप जानते हैं भगवान श्री राम की लीला में भी हैं और भगवान कृष्ण की लीला में भी, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भी, ये तेरासी यज्ञ में, परशुराम जी से भी पहले से हैं, तो यह भी आए हैं। इंद्र प्रमथ, यह भी एक श्रेष्ठ ऋषि है। त्रित ऋषि आए, यह गौतम ऋषि के 3 पुत्र हैं, ये महान ऋषि हुए थे और यह आए। ग्रीष्मत है ना, और असित, ग्रीष्मत और असित, इनका नाम भगवत गीता में आया है। कक्षिवान है ना, कक्षिवान गौतम मनी अहिल्या के पति, ये भी बहुत महान है। अत्रि जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनकी पत्नी कौन है, अत्रि ऋषि के पुत्र कौन, पत्नी कौन हुए है? माता जी लोग बताइए, सती अनुसुईया, हाँ, तो अनुसुईया माता जी उनके पत्नी है, उनकी पति हैं अतिर्षि, बहुत महान है, इसलिए बाद में भगवान इनके पुत्र बन करके आए, आए ना, बाद में भगवान इनके पुत्र बन करके आए। और कौन आए, कौशिक नाम के राजा या ब्रह्म ऋषि आए, सुदर्शन नाम के ऋषि आए, अन्य च मुनियो ब्राह्मण ब्रह्म रातयो अमला। हे सोनक जी, हे सोनक जी, मैं और अन्य कितने ऋषि को गिनवाऊं, सोनक जी मैं कितने का नाम आपको सुनाऊं, सब ऋषियों की बात तो छोड़िए, अन्य च मुनियो ब्राह्मण, अन्य ऋषि मुनियों की बात तो सुनिए, छोड़िए अन्य अन्य ऋषियों की बात तो छोड़िए, आश्चर्य की बात तब हुई जब परम वैरक्त चुड़ा मुनि सुखदेव गोस्वामी भी वहां आ गए पितामह भीष्म से भागवत सुनने के लिए। ब्रह्मरात आदयो अमला, ब्रह्मरात सुखदेव जी भी आए। सुखदेव जी को ब्रह्मरात कहते हैं, भगवान ने इनकी रक्षा की थी, गर्भ में प्रकट नहीं हो रहे थे माया के भय से, तो भगवान ने कहा था कि आप आइए बाहर, आपकी रक्षा मैं करूंगा, बाहर आइए माया से, तो आए थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया ब्रह्मरात। ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण, और रात मने दान देने, है ना, तो रक्षा की दिया गया, तो सुखदेव गोस्वामी भी आए। आगे कह रहे हैं, शिष्य रूपते आजमगु
काश्यपांग ग्रासदया, ये सभी ऋषि मुनि जैसे कश्यप जी और बृहस्पति जी, कश्यप जी समस्त देवताओं और दैत्यों के पिता हैं। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति के 13 पुत्रियों से हुआ था, मालूम है आप लोगों को, जिसमें दिति, अदिति, सुरसा, इला ये सब हुए। ये कश्यप जी स्वर्ग से प्रवचन सुनने के लिए वाले आए, अभी तक प्रवचन शुरू नहीं हुआ है, अभी ऋषि मुनि ही गिन रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये सब भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, सब जानते हैं, फिर भी आए, स्वर्ग से आए हैं। प्राय लोग इसमें स्वर्ग से आए हैं, कुछ लोग पृथ्वी से हैं, बाद में के स्वर्ग से आए हैं, है ना, कथा सुनने के लिए आए। और हम तो कहते हैं कि भैया आइए कथा सुन लीजिए, तो कहते हैं हम यहाँ से कैसे जाएंगे, बहुत दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, एक ऋषि मुनि बहुत दूर से आए, है ना। और वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, तो हम कथा में जाके क्या सुनेंगे, हम क्या धुलेगा मेरा, नहीं जाएंगे, हम तो पहले से पवित्र हैं। तो जो पवित्र होता है ना, वही भागवत कथा में आ पाता है, उनका जीवन होता है कृष्ण कथा, भागवत कथा। ये भागवत जो है ना, शुद्ध भक्तों का जीवन है, और इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में गोपी गीत में वर्णन में किया गया ना, भगवान कृष्ण यमुना के तट पर कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। भगवान कृष्ण गोपियों के संग सुंदर रासलीला किए, और लास लीला के समय कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर के, राधा रानी को छोड़कर लेकर के चले गए। कृष्ण के विरह में सारी गोपियां रोने लगी, जैसे बिना जल के मछली, वैसे ही गोपियां तड़पने लगी। गोस्वामी जी वैसे बहुत सुंदर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, वैसे तो जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जल से वास्तविक प्रेम किसका है, मछलियों का। कछुआ भी रहता है, मगर भी रहता है, लेकिन उसको निकाल लो तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन मछली को निकाल लो तो जल से, अच्छा मान लीजिए मछली को जल से निकाल करके उसको बहुत सुंदर एक सोने का सिंहासन बनाए, और बोले बेटा मछली तू इधर बैठ, तेरे लिए बहुत सुंदर एसी चलाता हूँ यहाँ पे, बहुत सुंदर पंखा झेलवाता हूँ, बहुत सुंदर पिज्जा बना करके लाता हूँ। मछली बोलेगा नहीं, जब तक पिज्जा चलेगा तब तक जिंदा रहूंगा, आइसक्रीम खिलाता हूँ, क्या तुम वो ठंडे पानी में रह रही थी, उससे भी ठंडा चीज तुमको खिलाता हूँ, आइसक्रीम। मछली जिंदा रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जैसे मछली का जीवन पानी से है ना, वैसे ही गोपियों का जीवन किससे है, कृष्ण से है। कृष्ण के विरह में गोपियां तड़पने लगी, और उस समय गोपियों ने गीत गाया, बोले ढूंढने से नहीं मिलेंगे कृष्ण, कृष्ण को पाना है तो कुछ करना होगा। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हम लोग भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे, कहां मिलेंगे भगवान, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, घर पे जाओ और भगवान की ऐसी भक्ति करो कि भगवान आ जाए, कीर्तन करो, गीत गाना पड़े। गोपियों ने भी गीत गाया, क्या, जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा शयत इंदिरा सस्वदत्रहि Hey.
प्रेम करती हो जिस तरह से मछली जल से करती है, और जब मछली को जल से निकाल दिया जाता है तो वह मर जाता है। तो अगर ऐसा प्रेम है तो कृष्ण आपसे दूर हो गए थे, तो आपको मर जाना चाहिए था, आप जीवित कैसे हो यदि वास्तव में प्रेम करते हो? अभी तक आपके प्राण छूट जाने चाहिए थे, निकल जाने चाहिए थे, आप अभी तक जीवित, इसका कारण क्या है? तब गोपियां कहती हैं, कथामृतं तप्तजीवनं अविभिरीडितं कल्मषाकः तव कथामृतं साल पहले भारत में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था प्रताप रुद्र। क्या नाम था? राजा प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी पहुंचे। अनेक वर्षों से राजा प्रताप रुद्र की एक इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, उनका आलिंगन करूं। जब राजा प्रताप रुद्र ने अपने मंत्री को भेजा तो महाप्रभु ने तुरंत मना कर दिया, मैं राजा उस राजा से नहीं मिलूं, मैं सन्यासी हूं, और सन्यासी का धर्म है कि वह किसी धनी व्यक्ति से ना मिले। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में यह सिद्धांत रहा कि वे राजा से। राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, आप मेरी सिफारिश कर दो भगवान, थोड़ा थोड़ा भगवान से सिफारिश कर दो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, एक बार प्रताप रुद्र से मिल। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मिलूंगा। राजा ने स्वरूप दामोदर को कहा, स्वरूप दामोदर आप कह दो। उनको भी ना कह दिया, राय रामानंद को भेजा, उनको भी ना कह दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वार्निंग दे दिया कि आप सब लोग उस राजा की सिफारिश लेकर के आए, अब की बार तो मैं जगन्नाथपुरी को छोड़ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फाइनल कुछ दिन बाद रथ यात्रा प्रारंभ हुई। महाप्रभु रथ यात्रा में बहुत सुंदर नृत्य किए,
नृत्य करते करते महाप्रभु थक गए। बगल में एक पेड़ था जहां कर जाकर के महाप्रभु विश्राम करते। अवसर देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को उसी उद्यान में भेजा। बहुत बड़ा रिस्क। बार बार महाप्रभु ने कहा कि उसको मेरे सामने मत लाना। मेरे सामने मत लाना। लेकिन गुरु भक्त को भगवान से मिलाने के लिए कुछ भी कर जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और क्या कहा, तुम उस उद्यान में जा करके। राजा प्रताप रुद्र को उस उद्यान में भेजा और जा करके वह क्या करने लगे, यह पवित्र श्लोक गाने लगे। तव कथामृतम् पंचाध्याय का सार है गोपी गीत। और गोपी गीत का सार क्या, यह एक श्लोक क्या, तव कथामृतम् चल जाते थे और धड़ाम करके वहां से गिरते। अद्भुत नृत्य
कर रहे हैं, नित्य करने के बाद थक गए और थकने के बाद विश्राम कर रहे हैं। और जैसे ही महाप्रभु के कान में ये ध्वनि गई, महाप्रभु जग गए, खोजने लगे कौन गा रहा है, बिल्कुल तड़प गए, मचल गए। राधा रानी का जो भाव था तड़पने लगे। राजा प्रताप उल्टे खड़ा होकर के ये श्लोक गा रहे हैं, शायद सामने से खड़ा रहूं तो ना। महाप्रभु दौड़ करके गए और प्रताप रुद्र को गले से लगा लिया, जिसका मुंह देखना नहीं चाह रहे थे उसको गला लगा लिए। श्लोक इतना अद्भुत श्लोक। कृष्ण ने पूछा, हे गोपियों, आपके विरह में तो मुझे मर जाना चाहिए, आपको उन्हें मर जाना चाहिए, कैसे जीवित रहे? तो प्रभु आपकी कथा अमृत। ध्यान रखें, हम भी भक्ति करते हैं, भक्ति हम लोग कितने लोग आगे बढ़े या कैसा पता चलेगा, इसका मीटर क्या है? तो सुजीव सुद गोस्वामी कहते हैं, भागवत में हमारी रुचि कितनी उत्पन्न हुई, कथा में हमारी रुचि कितनी हुई इससे। तो ये ब्रह्म ऋषि, ये देव ऋषि सब उच्च कोटि के भक्त हैं। ये देव ऋषि, ये ब्रह्म ऋषि, ये राज ऋषि सब उच्च कोटि के ब्रह्म भक्त हैं। तो ये सब बहुत पहुंचे हुए हैं, ये भागवत कथा में आए, ये सब देव ऋषि मुनियों की कैटेगरी है। तो इस प्रकार से ये ऋषि आए हैं, तो ये सारे ऋषि मुनि आए पितामह भीष्म से कथा सुनने के लिए। तो पितामह भीष्म ने इनका स्वागत किया, इसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे कि किस प्रकार से पितामह भीष्म ने इन ऋषि मुनियों का स्वागत किया, भगवान का स्वागत किया। आज की कथा को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं और कल पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि भीष्म स्तुति की अगर हो सके तो पूरा अध्याय, 9वें अध्याय के पूरे श्लोकों को भक्तों के बीच में बांट दीजिए, और अगर ना हो सके तो कम से कम भीष्म स्तुति इसको प्रिंट करा करके सभी भक्तों के बीच में बांट दिया जाए। और आप लोग क्या करेंगे, उसको समेट करके जेब में भर लेना है ना, यही करेंगे? नहीं, उसको प्रयास करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, ताकि हम लोग सब साथ में बैठ करके यहाँ पे गा सके। इतना प्रसन्न हुए स्तुति सुन करके भगवान, इतना प्रसन्न हुए कि पितामह भीष्म ने जो जो कहा सब किए। कहे एसवे इधर आओ, इधर आओ, इधर भगवान आ गए, खड़ा हो जाओ मेरे सामने। भगवान खड़े हो गए। भगवान पूछ रहे हैं कैसे खड़ा रहे हैं, तो ऐसे खड़ा रहो, तो भगवान वैसे ही खड़ा हो गए। इतनी अद्भुत स्तुति, भगवान एकदम बंद जाते हैं। तो आप सब लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गोप्रेमानंदे। और अगर कोई प्रश्न हो तो एक पेपर में आप लोग लिख करके प्रभु जी को दे सकते हैं, तो मैं कल से उसको ले लूंगा। अगर कोई प्रश्न हो कथा से संबंधित, भीष्म स्तुति से संबंधित, कहीं समझने में आपको तकलीफ हो, तो सब जो भी हो कुछ पेपर भी कुछ व्यवस्था किया दिया जाए, ठीक है? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्याय गोप्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, बार बार बनत नहीं यह संजोग अनु, मानव तन और हरि कथा हरि भक्तन के संग। इस कार्तिक महीने में घर बैठे ये सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है, द्वादश महाजन से एक महाजन भीष्म पितामह, जिनके हृदय के उद्गार को देखिए,
जो साधु होते हैं वह हर जगह अपने गुणों का बखान नहीं करते और वास्तव में अगर उनके हृदय के उद्गार को सुनना है तो उनकी सेवा, आचार्य ऐसे बताते हैं कि महत्पुरुषों की सेवा करने से ही वे अपने हृदय की बातों को उजागर कर देते हैं। ये पांडव जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं इतने भीष्म पितामह के प्रिय थे कि जब भीष्म पितामह के सामने पहुंचे तो भीष्म पितामह की आंखें भर गई। और जब कोई किसी से बहुत ज्यादा अति स्नेह करता है तो अपने हृदय के उद्गार को उसके सामने व्यक्त करता है। और वास्तव में जो भीष्म पितामह ने पांडवों के बीच में धर्म का ज्ञान दिया है, अद्भुत ज्ञान है, सुनने लायक ज्ञान है। लेकिन प्रभु जी एक बहुत सुंदर बात बताए कि वास्तव में समय से अगर आएंगे तो इसका भरपूर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है भीष्म स्तुति, और वास्तव में भीष्म पितामह बहुत सुंदर संदेश देने वाले हैं। और इस कार्तिक महीने में हम लोगों को घर बैठे ये सुंदर सुअवसर प्रभु जी के माध्यम से मिल रहा है। सुबह में मंगला आरती, दोपहर में कथा, शाम में गौर आरती, दीपदान, आधे घंटे का थोड़ा सा मोटिवेशनल प्रीच, ये सब कुछ मिल रहा है घर बैठे। तो हमें प्रतिदिन इसका लाभ लेना चाहिए। और वास्तव में हम सब प्रभु जी के बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी हर साल, हम लोग निवेदन करते हैं और एक बार में ही प्रभु जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही साधु पुरुष का लक्षण है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे किसी के दरवाजे पर अगर जाते हैं तो उससे अपनी इच्छाओं को तृप्ति के लिए नहीं जाते हैं। वे कुछ अन्न लेने के लिए, कुछ धन लेने के लिए नहीं जाते, बल्कि देने के लिए जाते हैं। इस पृथ्वी पर पृथ्वी अच्छे नगर आदि ग्राम, चेतन महाप्रभु ने कहा कि पूरे पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार होगा। और आज उसी परंपरा में अनेकों ऐसे शुद्ध भक्त अनेकों स्थानों में जाकर, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में जा जाकर चेतन महाप्रभु के इस मिशन को फैला रहे हैं, लोगों के बीच में कृष्ण भावना वितरित कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम का दान कर रहे हैं। तो वास्तव में हम सब बहुत बड़े आभारी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते। आज बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पे और कई एक ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके हृदय में वास्तव में प्रेम है। ये प्रमाणित करता है, आपका यहाँ आना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। और वास्तव में इस कार्तिक महीना में इसका लाभ सबको मिलने वाला है। तो ये अवसर हम सबको प्राप्त होता है, प्रभु जी की कृपा होती है। और प्रतिवर्ष हम लोग भागवत के दिव्य शब्दों के अर्थों को सुनते हैं, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। तो हम सब प्रभु जी के बहुत ही विशेष आभारी हैं और प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करके आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आप लोग आए, कथा श्रवण किए, आगे 5 दिन और आइए, इस कथा का लाभ लीजिए। आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए आपका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संध्या का कार्यक्रम 6 बजे से गौर आरती होता है, इसके बाद 7 बजे से लेकर
7:45 तक के बीच में एक कथा होती है छोटी सी, लेकिन उस कथा का जो सार होता है, एसेंस होता है, एक भी बात इधर उधर की नहीं, एकदम एज इट इज भागवत के संदेशों को दिया जाता है यहां से। इसके बाद दामोदर अष्टकम होता है और दामोदर अष्टकम के बाद दीपदान। आज का जो संध्या का क्लास है वो बहुत ही सुंदर है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो हम निवेदन करेंगे कि अगर संभव हो तो संध्या के समय में 7 बजे तक यहाँ पर आने का जरूर प्रयास कीजिए 45 मिनट के लिए। और अभी भागवत जी की आरती होगी, आरती के पश्चात सब लोग आरती लेकर प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हरे कृष्णा लाइव। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्मनी तुम्हें भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूति गाइए गाइए सब लोग प्रेम से सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा हरि बोल कथा यकी
वचन प्रेम सुदान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति